रेडी स्टार्ट। महोदय, जो यह बजट पेश हुआ है वह देश की एक ऐसी नई तस्वीर उपस्थित करता है जो तस्वीर उम्मीद की है, आशा की है, सफलता की है। इसमें नए कर ज़्यादा नहीं लगाए गए हैं और जो थोड़े से कर लगाए भी गए हैं वे इस ढंग से लगाए गए हैं कि सभी लोगों पर उसका बोझ पड़ता है। इससे भी उनको निराशा हुई है। दूसरी बात जिससे उनको निराशा हुई है यह है कि एक दो साल देश को लेन देन के मामले में कठिनाई का सामना करना पड़ा था, योजना को कठिनाई में पड़ना पड़ा था, वह कठिनाई दूर हो गई है और मैं सदन के तरफ से उन देशों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन देशों के प्रति आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी इस कठिनाई को दूर करने में आगे बढ़कर हाथ बटाया है। मेरे दोस्तों को इससे निराशा हुई है कि विदेशी मदद बहुत ज़्यादा और तेज़ी से पहुंच रही है और हमारी जो कठिनाई दूर हो गई है इससे उनको परेशानी हुई। कम्युनिस्ट इसलिए भी परेशान हैं कि पिछले एक दो सालों में देश की पैदावार बहुमुखी ढंग से बढ़ी है, औद्योगिक पैदावार बढ़ी है। यह उनके लिए निराशा का कारण बना है। उनकी निराशा इसलिए भी बढ़ी है कि उनका मालिक, उनका मित्र हमारे देश की सीमा पर जब फौज लेकर खड़ा है और जब देश पर खतरा है तो क्यों देश की आर्थिक हालत, क्यों देश की वित्तीय हालत तथा दूसरी हालत इतनी अच्छी हुई है और क्यों इतनी अच्छी तस्वीर उभरी है। लेकिन उनकी निराशा हमारी सबसे बड़ी आशा है। उनकी असफलता हमारी सबसे बड़ी सफलता है और मैं समझता हूँ कि उनके भाषण हमारे वित्त मंत्री महोदय के लिए सबसे बड़े बधाई के भाषण हैं। दो तीन और चीज़ों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उनकी ओर दूसरे माननीय सदस्यों ने भी आपका ध्यान दिलाया है। हमारी सरकार का ध्यान भी उस ओर गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
पहली बात तो यह है कि जब